हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि प्लांटेशन ऑफ टी और कॉफ़ी की किस तरह करते हैं, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लांटेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, और मेनली जो दो मैंने सेलेक्ट करी, मैंगो और बनाना, और काफ़ी आसान। इसके बाद हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंगो की। तो मैंगो जो होता है ये क्या है, पेरिनियल ट्री होता है, मतलब 12 मौसम, मतलब होल ईयर ये जो है मिलता रहता है। फ्लावर्स आर प्रोड्यूस पेनिकल्स एंड अबाउट 10 to 12 inches इन लेंथ। ये टेक्निकल चीज़ें कि जो उनके पौधे होते हैं जो शुरुआती दौर में इतने चौड़े इतने मोटे होते हैं, ये सब है। फ्रूट साइज में डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के जो आते हैं मैंगो आते हैं, तोतापरी हो गया, अल्फांसो हो गया, और काफ़ी जगह के अलग अलग आम होते हैं। और मैच्योर फ्रूट्स की अलग अलग स्मेल होती है, स्मूथ थिन एंड टफ स्किन होती है। आप आराम से लिख सकते हैं, आपने आम तो देखा होगा, उस पर आराम सब कुछ लिख सकते हैं। प्लस और राइप मैंगोज पेल येल्लो टू ऑरेंज ये होता है कि अच्छा मैंगो आपको कहा जाए छाटने को, तो आप कैसे करेंगे। और मैंगो जो है नॉन लीफ कल्टिवेटेड थोड़ा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जहाँ पे होती हैं। बात कर चुके थे हम लोग ट्रॉपिकल क्या होती है, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज क्या होती हैं। ये नहीं कि आप कहीं भी इसको उगा दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब इसमें बात करते हैं फिर आगे कि इसको हम लोग इसकी खेती कैसे करते हैं। प्रोपोगेशन, एक इसका मतलब होता है कलम बांधना। कलम आपने सुना होगा कि जब जैसे जो रोज़ का प्लांट होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर पौधा सूख जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको कलम कर देते हैं। मतलब कलम मीन्स ऊपर से उसको जो शार्प नाइफ से उसको कायदे से छील देते हैं। और इसके बाद उसमें कुछ भी जैसे होता है कि काव डंग है जैसे कहें गोबर ऊपर लगा के प्लास्टिक से रैप कर देते हैं ताकि उसमें एयर ना जाए, मॉइस्चर ना जाए। मेनली एयर का होता है कि एयर ना जाए, और इसके बाद वो वहाँ से ही वो जो वो रोज़ का जो प्लांट होता है वो ग्रो करने लगता है अच्छी तरीके से। इसी चीज़ को होते हैं कलम बांधना कहते हैं, इसी को ग्राफ्टिंग होते हैं। और ये ग्राफ्टिंग जो है यही यूज़ होती है मैंगो वाले में भी। तो ग्राफ्टिंग 3 टाइप की होती है, विनियर ग्राफ्टिंग अभी हम लोग पे अप्रोच, और सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग होती है, और इसमें मेनली यही कलम ही करते हैं। अब जैसे विनियर ग्राफ्टिंग में आप देखेंगे कि क्या करते हैं कि जो आम का जो पेड़ होता है इसको साइड से हम इसको जो है कट लगा देते हैं इस टाइप से। और जो हमारे पास सीजन होता है, मतलब जो इसका वंशज होता है जो नर्सरी में ग्रो करते हैं कि भाई ये अच्छे वैरायटी का जो है, ये जो प्लांट मैंगो का सबसे पहला वाला जो ब्रीड है उसको हम लोग लेके इसके बीच में फंसा देते हैं और पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। ये वही लिखा हुआ, कट लगा 4 सेंटीमीटर इन द रूट स्टैक हाइट एंड द बेस ऑफ द सेकेंड स्कॉट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड कट इज मेड टू ज्वाइन द फर्स्ट कर्स वाज टू रिमूव द पीस ऑफ वुड। और इसके बाद प्रिपेयर सीसन इंसल्टेड एंड पॉलीथिन स्ट्रिप, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। फिर अप्रोच ग्राफ्टिंग, अब अप्रोच ग्राफ्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे दो जो आम के पेड़ हैं, एक तो ये होता है कि एक ग्रो कर रहा कम एक ज़्यादा ग्रो कर रहा, तो हम लोग क्या करते हैं उनका यूनियन कर देते हैं, उनमें साइड वाइज कट लगाया और उनको एक साथ पॉलीथीन से उनका बांध दिया उठा के ये। या तो फिर हमारे पास कोई अच्छी वैरायटी का जैसे आम का कोई पेड़ उसके साथ हम लोग कर देते। होना ये चाहिए मेन कि दोनों जो हैं वो पास पास हों और दोनों ज़्यादा बड़े या छोटे ना हों, मतलब मीडियम साइज़ के हों, ठीक है। एक की ग्रोथ कम हो रही एक की ज़्यादा हो रही चलेगा, कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यही लिखा हुआ टर्म अप्रोच ग्राफ्टिंग एज अ रूट स्टैक अप्रोच टू द सीजन व्हेन इट इज स्टिल अटैच टू द मदर प्लांट। इसमें कुछ भी हम लोग अलग नहीं करते हैं, बस अल्टरनेटली मदर प्लांट्स आर ट्रेन टू लो हेडेड एंड स्टॉक इन ग्रोन एंड कैनोपी लास्ट वीक ऑफ जुलाई। टेक्निकल सारी डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। स्लाइस ऑफ बार्क अलॉन्ग थिन विश ऑफ वुड दे एंड देन ब्रॉट टुगेदर मेक श्योर दैट देयर कैम्बियम लेयर्स, जो लेयर्स होती हैं कैम्बियम उसको है, मेक कॉन्टैक्ट लीव्स ऑन वन साइड। दो साइड से करते हैं तो एक साइड से होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, देन दीज ग्राफ्ट्स आर देन टाइड फॉर्मली विद पॉलीथीन स्ट्रिप और एनी टाइंग मटेरियल। ऊपर से पॉलीथीन लगा के कुछ लोग उसको है जो धागे से थ्रेड से जो है उसको टाई कर देते हैं। द यूनियन इज कम्प्लीट इन अबाउट 2 to 3 मिनट्स, 2 to 3 months सॉरी। ये मेथड जो है वो मैंगो में फॉलो करते हैं और इस मेथड को इनार्शिंग भी कहते हैं, ये आप टर्म याद रखिएगा। अब बात आती है सॉफ्ट फ्रूट ग्राफ्टिंग, ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है अगर कहा जाए इसमें। इसमें क्या करता है कि जैसे कि अगर आम का कोई पौधा है जो शुरुआती में है तो उसकी जो ऊपर की लीव्स हैं उनको जो है जहाँ से वो हरापन ख़त्म हो जाता है उनके ऊपर से हम
हटा देते हैं, काट के अलग कर देते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास सीजन होता है, जो उसका जो वंशज होता है जिसे कहते हैं आम के पेड़ का, उसको ये इस टाइप से जो है बीच में हम कट लगाते हैं और बीच में फंसा देते हैं, और फिर पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, और इसके बाद हम उसको कवर करते हैं, फिर यहीं से वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। ये लिखा है, दिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग व्हेन द रूट स्टॉक इज ओवर ग्रोन, ज़्यादा ग्रो एंड दस नॉट पॉसिबल, नॉट सुटेबल फॉर, कुछ बीच में छूट गया लगता है। नॉर्मली इन दिस मेथड सीडलिंग्स 8 to 10 months ओल्ड आर सेलेक्टेड, ग्राफ्टिंग डन ऑन न्यूली इमर्ज प्लस सीजन वुड टू बी यूज डेवलप 10 days प्रायर टू द ग्राफ्टिंग एंड हैज सेम थिकनेस द टर्मिनल सूट। वही बताया कि सेम, तो ज़्यादा अब ये नहीं कि आप इससे बड़ी थिकनेस के ले आए तो वो नीचे लगा, सेम थिकनेस होना चाहिए। अब कुछ न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जैसे ये एक 2010 की न्यूज़ है कि न्यू टेक्निक टू मेक मैंगो ट्रीज बियर अर्लियर। तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से एक गाँव के एक आदमी ने जो नई टेक्निक अपनाई थी ताकि मैंगो को और अच्छा हो जाए, उसे वो पॉली बैग ग्रोइंग करते, कि एक होता कहता है कि एक पॉली बैग में उसने पहले ग्रो कर लिया सीडलिंग्स को, फिर इसके बाद उसको बड़े उसमें स्केल में लेके चला गया। तो ये अच्छी टेक्निक होती है, ए गुड बेयरिंग मदर प्लांट सेलेक्टेड फॉर डिजायर रेटिंग ग्राफ्टेड टुगेदर फॉर 15 to 45 days पॉली बैग्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट आफ्टर द फर्स्ट। होता क्या कि जब पेड़ छोटा होता है तो उसमें काफ़ी चीज, अब ज़्यादा बारिश भी ना हो जो उनसे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी करना चाहिए हम लोगों को थोड़ा बहुत, और सारी चीज़ों से बचाना होता है। आफ्टर द फर्स्ट फ्लैश और लीव्स इमर्ज सीडलिंग्स आर मूव टू ओपन कंडीशन एंड कैप अंडर शेडेड वाटर, पानी तो सबसे ज़्यादा जरूरी लगाने के लिए। तो ये इस तरह से हम जो है कि मैंगो की खेती करते हैं। अब बनाना है, अब बनाना है तो सबको पता है केला जो है ये रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, फैट सबसे ज़्यादा होता है इसमें, 73% मॉइस्चर, कार्बोहाइड्रेट्स इतने परसेंट, प्रोटीन फैट 0.5% में, सॉरी फैट कर दे, कार्बोहाइड्रेट्स इसके बाद में ज़्यादा होता है। और बनाना भी पेरिनियल प्लांट होता है, जैसे आप देखा होगा कि जो नॉर्दर्न पार्ट में बनाना का शेप अलग होता है, अगर आप केरला जाएंगे तो वहाँ काफ़ी बड़े बनाना मिलते हैं, तो वो अलग अलग साइज शेप डिफरेंट करते हैं। और बनाना एक ऐसा जो बनाना प्लांट है वो सीड से ग्रो नहीं करता, आप बनाना अगर आप खाएंगे तो देखिए उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, लेकिन आप अगर उन सीड्स को ज़मीन में लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो ये खासियत होती है कि बनाना की, इसीलिए मैंने चूज़ किया था दो चीज़ें, एक सीड से ग्रो हो, एक बिना सीड से ग्रो हो, और एक कलम से। जैसे कि आप मैंगो, तो आप मैंगो की जो अंदर की सीड होती है उससे भी ग्रो कर सकते हैं, और वो नर्सरी में रखी जाती है, सबसे पुरानी सीडलिंग्स रख लेते हैं इसीलिए। तो इस बनाना जो है सीड से ग्रो नहीं करता, बट फ्रॉम बल्ब और राइजोम, बल्ब और राइजोम होता है जो अभी आपको दिखाएंगे हम कैसे होता है, एंड इट टेक्स 9 to 12 months फ्रॉम ग्रोइंग सोइंग टू बनाना बल्ब। जैसे वियतनाम में आपने कभी देखा होगा किस तरह बड़े बड़े लार्ज स्केल में बनाने की प्रोडक्शन होती है, और बहुत बड़ा इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटा सा जगह नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आम का पेड़ तो 100 200 गज में भी लग जाएगा, लेकिन केले के लिए खेती काफ़ी बड़ी करनी पड़ती है, लार्ज स्केल में करनी पड़ती है। एंड बनाना कैन ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, प्रायोरिटी के सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, तभी जो जितना मॉइस्चर हो उतना अच्छा ग्रो होगा। आप केरला जाएंगे तो वहाँ जो समुद्र किनारे होता है सी शोर, वहाँ और अच्छी खेती होती है। डीप वेल रूम लूमी सॉइल एडिक्वेट ऑर्गेनिक मैटर आइडियल फॉर कल्टिवेशन, प्लांट हैज रिस्ट्रिक्टेड रूट जोन, इट कैन ग्रो वेल इन साइड एल्कलाइन सॉइल, थ्रू बनाना रिक्वायर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर, इट कैन नॉट टॉलरेट वाटर स्टैग्नेशन, पानी कमी नहीं होनी चाहिए, ऑनली वे टू रिप्रोड्यूस इज टू ट्रांसप्लांट पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम। अब ये जो है स्टेम है, जो तना जिसे बोलते हैं, अगर हमको दोबारा ग्रो करना है तो हम इस तने को ही जाके दूसरी जगह उठा के लगा देंगे जाके, और फिर जब ज़मीन में लगा देंगे तब ये ग्रो करेगा, सीड्स नहीं चाहिए होती इसमें। तो ये इसमें टेक्निक होती है। अब अगर क्वेश्चन आए तो आपसे यही पूछेगा किस तरह करते हैं, तो आप दो एग्जांपल दीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, तो इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ आपको पता है कि कैसे काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सबसे अच्छा टॉपिक है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कोल्ड स्टोरेज की, ग्रेन्स की, सिलोस की, और क्या उनके मॉडिफाइड कोल्ड स्टोरेज और क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, अगर वो नहीं होंगे तो हमारी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो ख़राब हो जाएंगे, ये सब वही है पोस्ट हार्वेस्ट की, मतलब जो हिंदी में अगर कहा जाए कि जब खेती, जब हम लोग काट लेते हैं उसके बाद अब क्या करें ताकि वो ख़राब ना हो, बचाएं, लॉसेस ना हो, हर चीज़ से, रोडेंट से बचाएं, चूहे से बचाएं, हर चीज़ से
जैसे सिंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हाईली पेरिशेबल, एफिशिएंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बिकम एब्सोल्यूट नेसेसिटी, इट है ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन। जॉइंट एफर्ट ऑफ रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर्मर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ट्रेडर्स रिजल्ट इंडिया इमर्जिंग मेजर प्रोड्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और लॉसेस भी काफ़ी होते हैं, 10% लॉस काफ़ी चला जाता है अगर इम्प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट रहा। जैसे 11th प्लानिंग कमीशन में इस पर काफ़ी जोर दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा 40,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है हमारे साल भर में। दिस इज़ नॉट ओनली ड्यू टू प्रोड्यूस और करोड़ सर्वे बट वेस्टेज होता है। अब अगर जो वेस्टेज फूड का होगा तो हमारा लेबर वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और जो हमने उसमें फसल में लगाया है, जो भी फर्टिलाइजर्स लगाया, मैन्यूर्स लगाया, वो सारी वेस्ट चली जाती है। तो इसका मतलब टोटली वेस्ट होता है, तो इसलिए हमको ये सबसे ज़्यादा बचाना होता है। आप पैदा तो कर ले, लेकिन आप अगर फसल को बचा नहीं पा रहे तो फिर आपको फायदा करके फ़ायदा क्या, फसल फिर तो बर्बाद चली जाएगी आपकी। तो अब यही है कि इसमें दिखा रियलाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है। वो सारे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और हार्वेस्ट ऑपरेशन सही है, आप जब तक हार्वेस्ट ऑपरेशन अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, फसल को नहीं बचा पाएंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। पैक हाउस ऑपरेशन, पैक हाउसेज में रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी फंगस ग्रो ना हो। अप्रोप्रिएट प्री ट्रीटमेंट लाइक क्यूरिंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, फंजीसाइड, सब कुछ करना, वैक्सीन, जैसे कि वीड्स जो लग जाते हैं, खरपतवार जो होते हैं, और जैसे कि गेहूं के खेत में कुछ हो गया या आम के जो बागों में ज़्यादा चीज़ें काफ़ी फंगस लगे हैं, वो सब देखना चाहिए। प्री कूलिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो, कि पता चला आपको लाने हैं टमाटर, एक MP से लाने हैं टमाटर और केरला तक पहुंचाने हैं, तो आपको पता चला 15-20 दिन लग गए, तो ऐसे नहीं वो रास्ते में ही ख़राब हो गए। स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, नंबर कोल्ड स्टोरेज, एग्जाम्पल जैसे मछली आती है कलकत्ता से, तो वो कोल्ड स्टोरेज में आती है, अगर वो अगर नॉर्मल ले आए तो मछली तो ख़राब हो जाएगी जब तक आते आते दिल्ली, कलकत्ता से अगर दिल्ली लाए तो ये सारी चीज़ें हैं। अमंग अदर पेरिसेबल, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, फिश, लाइव स्टॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोमिनेंट फ्रॉम द स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। यही सब आप लिख लीजिए, आपने देखा होगा सब चीज़ें कि क्यों स्टोर, फ्रिज जैसे हम लोग नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ में लाते हैं, क्यों फ्रिज का क्यों यूज़, फ्रिज बनाने का मतलब मकसद ही यही था कि खाना वेस्ट ना हो। मतलब खाना तो हमने बना लिया, दूध हमने लिया सुबह, अब एक साथ किसी के यहाँ सुबह 5 लीटर दूध आता है और वो नहीं पी पा रहा तो कहाँ जाएगा, अगर दूध को आप खुला रख देंगे तो फट जाएगा, इसलिए उसको एक टेम्परेचर में रखा जाता है। इसीलिए जो जो पैक दूध मिलते हैं वो पेस्टराइज मिल्क होते हैं, उनको सडनली एक टेम्परेचर में ले जाके फिर एकदम से कूल कर दिया जाता है, इसीलिए वो नहीं फटते हैं और उनकी वैलिडिटी होती है। इसके लिए हम भारत सरकार क्या क्या कर रही है, फूड पार्क्स और कॉरपोरेशन फूड पार्क ले 11th प्लान में उन्होंने काफ़ी इसमें कहा कि हम 30 मेगा फूड पार्क्स इस्टेब्लिश करेंगे और स्टोर जो इस लिंकेज बढ़ाएंगे हर प्रोडक्शन के लिए, कि ताकि जो किसान है वो आसानी से अपने जो भी उसने पैदा किया हुआ है, आम की फसल या कोई भी फसल हो, वो अमरूद हुआ जो कुछ भी, तो वो आसानी से स्टोरेज उसको मिल सके, और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हम लाएंगे ताकि अच्छा खासा हो सके, और काफ़ी मैकेनिज्म करेंगे हम, रिटेलिंग से भी जोड़ेंगे, किसानों के बीच का कमीशन ना हो, तमाम तरह की बातें हैं, काफ़ी सब चीज़ें, वेस्टेज कम करो, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, ये सब बातें होती हैं, काफ़ी होते हैं। एग्री एक्सपोर्ट जोन करेंगे कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट चला जाए, किसान के बीच में इंटरमीडिएट रिस्क कम हो जाए। अभी आगे चैप्टर वही पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वैल्यू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर। तो इसका मतलब क्यों करते हैं हम सप्लाई मैनेजमेंट, अगर हम ना करेंगे तो क्या दिक्कत है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक चेन होती है जिसके साथ आप जुड़े होते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्शन किया, जैसे यहाँ पे जो ग्रोअर्स है ये फार्मर है, अब फार्मर गया पहले लोकल मिडिल मैन के पास कि साहब हमें ये, हमने ये आम उगाए हैं हमें बेचना, अब आम के बाग हैं तो घर पे तो पूरा कंज्यूम नहीं कर लेगा, लेके जाएगा, फिर लोकल मैन मिडिल मैन जाएगा कमीशन एजेंट के पास, अगर मान लो कोई किसी गांव में रहता है तो वो पहले जाएगा, जाके किसी कस्बे में जाके करेगा, कस्बे में वो जाएगा, फिर वो मंडी के पास, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। तो अब यही चीज़ें, ये पूरी एक चेन बनी हुई है, तो ये इसमें डेफिनेशन है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंट द मैनेजमेंट ऑफ
इंटायर सेट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे कंज्यूमर को सप्लाइड डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। अगर इसमें एक भी चेन हम अगर कट कर देंगे, मान लो ग्रोवर है, अब ग्रोवर से लोकल मिडिल मैन के पास पहुँच गया लेकिन एजेंट के पास नहीं गया, तो एजेंट के पास अगर नहीं जाएगा तो फिर वो होलसेलर के पास नहीं पहुँचेगा, ना रिटेलर के, ना कंज्यूमर। फिर वही, फिर आ जाता है डिमांड सप्लाई प्राइस। डिमांड अगर बढ़ रही, अगर सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो वो क्यों होता है? वो इसी चेन के टूटने की वजह से होता है, जब चेन प्रॉपर टूट जाती है। यही है, कुछ डिफिनेशन है। प्रोक्योरिंग द राइट इनपुट रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स, एक काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप पैकिंग भी होती है उन चीज़ की, सब साफ सूफ किया जाता है। जैसे प्रोसेस फूड बनते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं, उनको सब लेते हैं रॉ मटेरियल, फिर उसको साफ करते हैं, काफ़ी पैकिंग करते हैं, फिर बनाते हैं उसे, एंड कन्वर्टिंग दैम इन टू फिनिश प्रोडक्ट, डिस्पैचिंग दैम टू फाइनल डेस्टिनेशन। और जैसे कि इस बाकी कोऑर्डिनेशन, कोलेब्रेशन, चैनल पार्टनर्स होते हैं, किस किस को चाहिए वहाँ वहाँ भेजते हैं, जो ये रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर, और पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कहाँ से ये इनको सामान लाना होता है रिटेलरों को, और कहाँ कहाँ भेजना होता है कि जहाँ पे ज़्यादा डिमांड हो वहाँ पे वो चीज़ भेजो, कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे ये चीज़ें जानी चाहिए। जैसे कि आम है वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कुछ खाया जाता है तो वहीं भेजते हैं। इस टाइप से ये सारी चीज़ें मैनेज करी जाती हैं, और काफ़ी रिटेलर्स होते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े जो जाइंट जो रिटेलर्स हैं वो भी इसी में अटैच हैं। अब ये कुछ फैक्ट है कि इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर का है, जैसे हम लोग यहाँ एप्पल हुआ वो एक्सपोर्ट किया जाता है, आम भी एक्सपोर्ट किया जाता है, चाइना फर्स्ट है। लेकिन इंडिया में कमी है कि यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन द सेंस कि इंटरमीडिएटरीज बहुत हैं। अब अगर ग्रो की, अभी इसी से अब मैं आपको बताऊंगा जीएसटी से कैसे ये रिलेट होता है। अब अगर एक किसान है, उसने ग्रो किया, मान लो एक आम है, उसने कहा कि भाई मैं तो 20 रुपये किलो आम आपको दे दूंगा, उसने कहा ठीक है 100 किलो ले आओ। अब बीच में उसका कमीशन के उसने लोकल मिडिल मैन ने कहा कि भाई 2% मेरा, ठीक है चलो 2%, उसने रेट बढ़ा दिया। फिर एजेंट ने कहा नहीं आपने तो 2% ले लिया, अब मुझे दे, अब मैंने 2%, इसने भी 2% बढ़ा दिया। फिर इसके बाद इसने भी 2% बढ़ा दिया। रिटेलर ने कहा कि भाई वो मैंने तो इसको काफ़ी अपने दुकान में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, हर चीज़ में मुझे स्टोरेज रखना पड़ रहा, मैंने इस पर 10% और बढ़ा दिया। तो हुआ क्या, जो ग्रोवर को जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली नहीं पहुँचाई। ये सारे जो कमीशन जो बीच बीच में गया, यहाँ से तो स्टार्ट पता चला 20 रुपये हुई थी, और जो कंज्यूमर के आते आते वो हो गए 50 रुपये। अब एक्चुअल बेनिफिट क्या, ग्रोवर को तो मिला नहीं, किसान को तो मिला नहीं, किसान तो बीच का ही रह गया, उसको तो 20 रुपये 30 रुपये तो उसका कमीशन चला, और ये कमीशन जरूरी नहीं 30, काफ़ी हाई होता है। आपको बहुत छोटी सी चीज़ों के लिए इतना पैसा देना पड़ता है, ये सारी रीज़न। तभी तो लोग जो टीवी एड्स कैंपेन्स में होता है कि आप जो है जो साइड में जो रोड के किनारे लोग बेच रहे होते हैं किसान, आप उनसे लीजिए, आप इनसे बिग मॉल या बिग बाज़ार इन सबसे मत लीजिए, क्यों? क्योंकि वो आपको सस्ता दे सकते हैं, लेकिन रिटेलर जो होता है वो कभी नहीं सस्ता देगा, क्योंकि उसके पास वो पूरी एक चेन से हो क्या है, उसको प्रॉफिट नहीं होगा। वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, उसने लोग रख रखे हैं इन सब के मैनेजमेंट के लिए, तो वो कहाँ से पैसा देगा, अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो सारी चीज़ों को करने के लिए। यही चीज़ जो है जीएसटी में, यही चीज़ों से बचाया जा रहा था, मतलब जीएसटी लागू होने से इसीलिए जो दुकान वाले हैं वो सारे विरोध कर रहे थे। अब आप सोच के देखिए, जीएसटी का इफेक्ट तो उस कंज्यूमर को होना चाहिए भाई, अगर किसी चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं तो आप तो रेट बढ़ाओगे, पेमेंट तो कंज्यूमर करेगा ना, रिटेलर का क्या होता, तुम तो रेट बढ़ा के बेचो, लेकिन नहीं, रिटेलर कर रहा था विरोध कि नहीं जीएसटी नहीं, इससे हमें घाटा हो जाए, क्योंकि अभी तक जो था वो सब जो है उन्होंने कच्चा बिल बना के सारा काम हो रहा था। लेकिन जीएसटी में तो रिबेट मिलेगी कि भाई शुरुआत से दिखाओ, हम सबको रिबेट देंगे, जो जिसने ग्रो किया है और जिसने लास्ट में, हम सबको एक एक कर रिबेट देंगे। तो अब जब रिबेट पाने के लिए सबको बिल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब एंट्री होगी कि आपने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया ग्रोवर से, और फिर उसका फाइनल प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, कितना मटेरियल गया, कितना आया, अब बीच में किसी ने भी चेन तोड़ी तो वो सारी चीज़ें कमीशन जो हैं वो के सिस्टम कंप्यूटर द्वारा वो सब कुछ निकाल लिया जाए। इसलिए ये सारे रिटेलर्स जो थे, होलसेलर दुकान वाले थे, सारे इसीलिए सब विरोध कर रहे थे, बड़ी बड़ी मंडी में कर रहे थे। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे अच्छा देते हैं। अब ये होता क्या है कि
अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट खराब होगी तो जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, वो जानने कि भाई इंडिया में इस चीज़ कमी है, चलिए हम इसी में आके अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि वॉलमार्ट है, अब वॉलमार्ट इंडिया में आ रही तो आपने सुना होगा कि काफ़ी उसका विरोध हो रहा था। क्यों? क्योंकि वॉलमार्ट का काम ही यही है। वॉलमार्ट क्या करती है, जो चीज़ जहाँ से सस्ती मिलती है वो वहाँ से लेती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो वहीं से ले ले या अपने यहाँ जो उसके यहाँ कमी हो उसको भी दे, नहीं। वॉलमार्ट अगर कॉफ़ी ब्राज़ील में सस्ती मिलती है तो वो कॉफ़ी ब्राज़ील से लाती है और फिर हर चीज़ अपने उसमें शॉप में रख के बेचते हैं वो लोग। टी अगर इंडिया चाइना से तो वो वहाँ से लेते हैं, जहाँ से जो चीज़ सस्ती मिली लेके अपने स्टोर में बेचते, तभी वो इतना सस्ता बेचते हैं। अब इससे यही दिक्कत हो रही थी कि यहाँ के जो रिटेलर दुकानें हैं इनको दिक्कत हो जाती। ये तो अभी लोकल बिजनेसमैन से ले रहे थे तो ये लोग कहते नहीं, वॉलमार्ट कहता नहीं, हम बीच के जो एजेंट है जो इतना भी रिटेलर होलसेलर हम सबको हटा, क्योंकि इनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये कहते हम सीधे किसान के पास जाएंगे। तो बीच के जो किसान जो हैं, अगर किसान 20 रुपये किलो में आम दे रहा है, हम उसको 30 रुपये में देंगे और हम कंज्यूमर को 40 रुपये में बेच देंगे, तब भी 10 रुपये तो कंज्यूमर कम देने पड़े। ये सारी चीज़ जो जितने ये मिडिल मैन होते हैं वो सब हट जाते हैं, क्योंकि वो लार्ज स्केल में कर रहे थे तो उनके पास खुद ही इतनी जगह है, वो स्टोरेज भी कर लेंगे, पैकेजिंग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो बस, तो ये जो बाकी दुकानें थी इनकी तो दुकानें को सेटल डाउन हो जाता, यही रीज़न था। इसलिए वो मतलब वॉलमार्ट जो है वो इन सब चीज़ों का जो इंडिया में आने से पहले लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि डेवलपिंग कॉम्पिटेंस ऑफ फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी बनाइए और डेवलपिंग करिकुलम एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का भी उसमें अभी हम लोगों को जानने की ज़रूरतें हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप होनी चाहिए, लिंकेज हम वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में, फार्मर्स के बीच में और जो मिडिल में, सबके बीच में प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन गाइडेड होनी चाहिए कि भाई तुम ये करो तुम ये करोगे। अब कुछ इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने किया, अब कुछ सक्सेस स्टोरीज देख लेते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग ऑफ मैंगोज गोज ऑनलाइन, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल था वन इंडिया मैन की, एक तमिलनाडु में कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अब जो किसान जो मैंगो पैदा करते हैं उनको अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो किसान था सीधे उन्होंने ऑनलाइन बेचने लगे आम को। अब ऑनलाइन बेचने लगे तो बीच के जो रिटेलर्स हैं उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, जहाँ ऑर्डर आया ऑनलाइन उसने किया उठाया और चला गया, सीधी बात। तो इसलिए ये सर्वे, और ये हुआ क्या, एक उनकी सफल नेशनल एक्सचेंज, सफल की आपने सुना होगा दिल्ली में काफ़ी सफल की दुकानें हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें उठाया। सफल नेशनल एक्सचेंज और एक MCX, एक जो वो है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, इन्होंने का जॉइंट वेंचर था, इन्होंने ये सारी चीज़ें टेक्निक यूज़ करी, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, फार्मर्स को उसका एक्चुअल प्राइस मिला। ये नहीं कि बीच में मिडिल मैन सारा खा रहे, जितनी एक्चुअल 20 रुपये का आम था तो वो 50 में बिक रहा है तो उसकी डबल से ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब गवर्नमेंट, अब हम इस सिस्टम को कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो हम अपना फूड सप्लाई चेन क्लस्टर बना दें, RFID टैग, आजकल रेडियो फ्रिक्वेंसी जो टैग्स चल गए हैं उससे, जैसे रेलवे ने भी अभी लॉन्च किया था RFID टैग्स वैगन्स के लिए, उस टाइप से, ताकि हर चीज़ ट्रैक में रहे कि ये किसान के यहाँ से इतना आया, अब ये इसका स्टेटस कहाँ पे है, कि जो एक आम एक पूरी ट्रॉली भर के आया इसमें कितना था, कितनी क्वांटिटी थी, कितने क्विंटल था, वो सब चीज़ कहाँ पे है, अब कितने दिन में यहाँ आ जाएगा। APMC मंडीज सेटअप कर दें, मंडीज जो गवर्नमेंट का जिस पे स्ट्रेस दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट का कह रही है, स्टेट लिस्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब मैं पढ़ाऊँगा कॉन्स्टिट्यूशन तब तो आपको मैं बताऊँगा, तीन होती है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो जैसे पुलिस हुआ इस स्टेट मंडी, और ये मंडीज हुए स्टेट लिस्ट में आता है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है उनको मेंटेन करना, तो ये सब चीज़ें स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो मंडीज में अगर किसान डायरेक्ट मंडी में ले गया, गवर्नमेंट की मंडी, वो पूरी ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, कितना लाया वो कैलकुलेटेड रखते हैं और उनका फेयर प्राइस जो है किसानों को मिलता है, कोई बीच की घपलेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। कोल्ड स्टोरेज उनका खुद का होता है, अच्छा अगर कोल्ड स्टोरेज होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि FCI के होते हुए भी कितना वेस्टेज होता है। इन्फॉर्मेशन सेंटर, अगर जागरूक जितने ज़्यादा लोग होंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो उतना ही कम ये सारी चीज़ें, बीच के जो लॉसेस हैं और महंगाई कम होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो सब काफ़ी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करें, ये हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, बहुत सारी होती हैं।
ये सारी चीज़ें सब होती। गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च करी थी संपदा। अब आपको अगर संपदा स्कीम हमें ऐसे बताता तो आपको शायद एक बार हवा में लगता, अच्छा ठीक है संपदा है ठीक। लेकिन जब आप आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी कि इनका क्या यूज़ है, क्यों कर रही है सरकार, क्यों। अगर डैम बना रही है तो डैम को बनाने का पर्पस क्या है, जो मैंने बताया मेजर माइनर डैम, ये सब चीज़ें एक सब लिंकेज होती हैं। बस उन लिंकेज को जोड़ के देखना होता है कि किस तरह से वो काम करती हैं चीज़ें और क्या उसका बेनिफिट होता है। स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोड्यूस प्रोसेसिंग डेवलपमेंट, ये इनका वो है स्कीम। फूड पार्क्स बनाएंगे, इसमें कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और काफ़ी इन्वेस्टमेंट, शायद 9,000 कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हरसिमरत कौर जो है हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया था। एपीएमडी मंडीज जो है उनको सेटअप किया है, वो दो तरह से नया एक्ट में पास किया गया कि ताकि किसान फार्मर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय इंटरमीडिएट्स, जो मैंने बात की थी, मनी लेंडर्स जो कहते हैं कि नहीं हम इतने में ही लेंगे, आप 20 रुपए दे रहे हो, नहीं मुझे 18 रुपए में चाहिए, देना हो तो दो नहीं तो मैं दूसरे से ले लूँगा। ये सब कुछ नहीं होगा, सबके एक रेट होगा। और इसीलिए जो डीडी किसान चैनल चलाया गया, ओके चलाया गया, रीज़न ही यही है ताकि किसान को फेयर प्राइस मिले, उसको रेट पता हो, इंटरनेशनल मार्केट का रेट पता हो, डोमेस्टिक रेट मार्केट का रेट पता हो कि इतने में बिक रहा था, हम इससे कम नहीं बेचेंगे, इससे कम बेचेंगे तो फिर एक्सप्लॉयटेशन हो गया उसका। ऑल फूड प्रोड्यूस शुड नॉट बी ब्रॉट टू मार्केट एट देन सोल्ड थ्रू ऑक्शन, सब मार्केट यार्ड में पहले लाया जाएगा और इसके बाद ऑक्शन के थ्रू बेचा जाएगा। वही सब चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसका लार्ज स्केल में क्या इफेक्ट पड़ता है, आपने सुना होगा जब डच आए तो उससे पहले भी एक सिल्क रूट चलता था अफगानिस्तान की तरफ से, जो सिल्क रूट ट्रेडर्स आते थे इंडिया से और यहाँ से ट्रेड करके चले जाते थे। तो यही चीज़ें अब आजकल चाइना भी कर रहा है। चाइना इसीलिए काफ़ी आगे आया कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ताकि जो एशियन मार्केट्स हैं और जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, अफ्रीकन मार्केट, उसमें आसानी से एक्सेस हो सके। वो एक रोड बनाएगा, रोड मैप उसने तैयार कर रखा है, काफ़ी सारी जो हैं हाईवेज बनाएगा, जिससे आराम से जो मार्केट में एक्सेस हो सके। इंडिया ने खैर विरोध किया था, वो पाकिस्तान की टेररिज्म एक्टिविटीज़ के पीछे इंडिया ने बॉयकॉट किया, इंडिया नहीं गया था। खैर वो सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो अलग है। तो मेन उसका पर्पस ही यही था, वन बेल्ट वन, ताकि ट्रेडिंग आसान हो सके, एक जगह से दूसरी जगह हो सके, चीप ट्रेडिंग हो सके। जो अभी हम लोगों को टाइम लगता शिप्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जाते नहीं, वो बाई रोड जाएँ और जल्दी पहुँचें, कम पैसा लगे। मेन मकसद ही हर कंट्री का कि जितना ज़्यादा वो ट्रेड करेंगे उनकी जीडीपी बढ़ेगी, उनकी जो फॉरेन रिजर्व्स है वो सब बढ़ेंगे, मकसद ही यही है। तो खैर हम अपना लेक्चर ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इससे हम लोगों ने प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर ख़त्म कर लिया पूरा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री है, जल्दी मैं उस पर अपलोड करूँगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए फ्री नॉलेज को, ताकि और लोगों तक पहुँच सके। और जितने ज़्यादा आप कमेंट्स लाइक्स और शेयर्स करेंगे तो मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी तरह लेक्चर्स को बना सकता हूँ, ताकि मैं और इस पर रिसर्च करूँगा और अच्छी तरह आपको बताऊँगा ये सब प्रेजेंट सिनेरियो में जोड़ के कि क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फिर ठीक है, थैंक्स।